बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौजूद आपने देख लिए, बगराम एयरबेस से भारतीय फ़ौज का फ़रार होना, अफगानिस्तान का मसला, मकबूजा गश्ती ने भारतीय फ़ौज की दरिंदगी और कराची के साथ जो सूबाई मामला सूबाई हुकूमत तासुब का मुजाहरा कर रही है उस पर बात करेंगे, और कनाडा के जो अफसोसनाक वाक़ जिसमें 7 पाकिस्तानी आतिशजदगी के बायस जहाँ भाग हुए उन पे ताज़ियत करेंगे और अफसोस का इज़हार। ये हैं आज के मौजूद। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का जो सबसे अहम मौजू हम बनाना चाहते हैं और है, एक तो ये कि बड़ा तारीखी बगराम का जो एयरबेस है वो रशिया ने बनाया था और फिर अमेरिका ने उसको बहुत तरक्की दी और अंडरग्राउंड उसमें एयरक्राफ्ट रखे और बहुत बड़ा सोफिस्टिकेशन उसमें किया, लेकिन बाद में फिर वो निकाल के ले गए, वो उन्होंने खाली कर दिया है। और वो कहते ये हैं कि जब से खाली किया तो बग़ैर अफगान फोर्सेस के को हैंड ओवर किए हुए एक सेरेमनी के ज़रिए, बग़ैर सेरेमनी के वो उनको छोड़ के चले गए और फिर बाद में कई घंटों के बाद में वो उस पर एयरबेस पे आए। इससे पहले लूटमार होती रही। इसके साथ साथ में जो अहम ख़बर है हमारे लिए वो ये है कि भारतीय भी जो है C-17 जो तैयारा एयर कार्गो का जो बड़ा तैयारा है कि उसमें से 134 के करीब जो है आदमी सफ़र कर सकते हैं और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में जो है जो क्रेट्स हैं सामान के वो भी जा सकते हैं। तो C-17 कार्गो तैयारा है और वो उसने 24 घंटों में तीन C-17 तैयारा जो बगराम एयरबेस से दिल्ली गए हैं और समंदर का बहुत बड़ा रास्ता इख्तियार करते हुए हुआ ईरान और वो वहाँ से गुजर कर फिर दिल्ली पहुँचे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम 134 का हिसाब लगाएं या 100 का भी हिसाब लगा लें तो 300 आदमी तो 24 घंटों में गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ़ौजी भी थे और गैर फौजी भी थे। और सबसे बड़ी बात, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान के तालिबान में और भारत में जो मुज़ाकरात की कोशिश की थी वो नाकाम हुए। अब इस पर हमारे साथ हमारे सैयद हसन हबीब साहब हैं। सैयद हसन हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा साहब। जी आपको खुश आमदेद कहते हैं। तो आपने जो हमने जो गुफ्तगू की है इब्तदाई में, इस पर आप तबसरा फरमाइए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की डेवलपमेंट है। पहले तो तुर्की का नाम आ रहा था जो कि वो इन अमेरिकन एयर बेसिस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। अब अगर ये जो जहाज इंडिया से इतना लंबा रूट बना के गए हैं, ये एक नई डेवलपमेंट है। और अगर इंडिया जो है इस दफ़ा कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में को कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल मिल जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की मिसकैलकुलेशन है इसमें। और ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें अमेरिका की तो ख्वाहिश होगी कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करे ताकि उनका विड्रॉल थोड़ा सा कम पेनफुल हो, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की तैयार था ये रोल अदा करने को। क्या डेवलपमेंट हुई है जो इंडिया को इतनी हेस्टिली आना पड़ा, ये कि एक बिल्कुल नई सूरत हाल उभरी है। लेकिन मेरा अपना ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अगर इंडिया फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ इस रीजन में तो वो इंडिया के लिए बहुत ख़राब होगा। आप तो खुश होते थे कि इंडिया इन्वॉल्व हो जाए, बस हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो कोशिश करे कि हमें इधर से भी हमला करे उधर से भी करे, तो उनको पता चल जाएगा कि फिर अफगानिस्तान किस बला का नाम है। जी लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जब अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बम गिराया था जिसको MIOB कहते थे, मदर ऑफ ऑल बॉम, उसमें 12 इंडियन भी मारे गए थे, तालिबान का तो नंबर नहीं पता चला। तो इंडिया के लोग अजीब अजीब जगह पे मौजूद हैं और अमरीका की मर्जी से मौजूद हैं, इसलिए अमरीका उस पर नहीं बोलता। अगर वहाँ पाकिस्तानी होते तो यकीनन ये सवाल उठता कि ये वहाँ क्या कर रहे हैं। तो इंडिया जो है अब एक्टिवली रोल अदा कर रहा है, इंडिया के पास पैसे भी हैं और इंडिया को ख्वाहिश भी है कि वो कोई। अच्छा, अब एक बात ये और भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप हैरान होंगे क्योंकि इंडिया का तो नाम नहीं आता था, नेटो का नाम आ रहा है, फ्रांस का नाम आ रहा है, जर्मनी का नाम आ रहा है, इटालिया का नाम आ रहा है और बहुत लोगों का आ रहा है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, जो हमारे पास लिस्ट मौजूद है कि अफगानिस्तान से जो जो निकले हैं और वो बार कह रहे हैं कि साहब हम निकल गए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन हमें इंडिया का नाम नहीं आता था, ये पहली दफ़ा हमें पता लगा कि इंडिया के लोग भी बगराम पे मौजूद थे। तो अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और जिससे जो हमारे लोगों ने हमें बताई है, इस लिहाज से अंदाज़ा होता है कि ये बड़ी बड़ी कामयाबी है
पाकिस्तान की या तालिबान की, वो हम ये समझते हैं कि उनके मुज़ाकरात नाकाम हुए और उनके ज़िंदगी को ख़तरा था तो वो अपने अपने आप को बचाने के लिए भागे हैं, जबकि आप इंडिया का यहाँ पर सरमायाकारी बहुत ज़्यादा है, कुछ 3.5 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी है, जो कि अगर देखा जाए तो उनकी पार्लियामेंट को भी उन्होंने बनाया और बहुत से जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने बनाई हैं। तो अब आप फरमाइए इस पर, आप देखें कि ये एक नया सिलसिला है जो कि शुरू हुआ है, जो कि नई बात निकली है, जो हम समझते हैं कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर है सच टीवी की। जी देखिए, इंडिया का जब तक रोल तिजारत में या सोशल वर्क में था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही इंडिया सिक्योरिटी में या रिजीम सपोर्ट में जाएगा तो इंडिया का बड़ा नेगेटिव फॉल आउट होगा अफगानिस्तान में। अफगानी कभी भी नहीं पसंद करेंगे कि कोई गैर मुल्की गैर मुस्लिम फोर्स अफगानिस्तान में। नबी साहब, अब तो ये मसला नहीं रहा ना, अब तो ये हो गया कि ये बात ये तय करनी पड़ेगी कि जो इंडिया ने अपने आदमी निकाले हैं वो फौजी थे या गैर फौजी थे। ये बात हमें तबसरा इस पर करना चाहिए कि वो निकल तो रहे हैं ना, भाग रहे हैं। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन चाहे वो फौजी थे या गैर फौजी थे, बागराम एयरपोर्ट पे होने का मतलब ये कि उनका रोल फौजी था। ठीक हो गया, चाहे वो सिविलियन थे या फौजी थे, रोल उनका सिक्योरिटी होगा या टेक्निकल सपोर्ट होगा, दोनों सूरतों में वो अमेरिकी फौज की सपोर्ट में थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस बात की निशानदेही होती है कि वो किस कदर तेजी के साथ भागे हैं कि एक दिन में 24 घंटे में यानी C-17 तीन तैयारे गए हैं वहाँ से, बगराम एयरपोर्ट से पहुँचे हैं, और रूट भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी पर, जो बहुत एक्सक्लूसिव है। ये अगर आपको याद हो, जब अमेरिका वियतनाम से निकला था तो इससे भी ज़्यादा क्योटिक सीन थे, लोग हेलीकॉप्टर के पहियों से लटके हुए थे। तो अगर इस दफ़ा फिर अमरीका डिसऑर्डर्ड वे में भाग रहा है तो इसमें कोई ऐसी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें परेशानी नहीं है, हमें ये पहली दफ़ा पता चला है कि इंडिया की फौज भी वहाँ मौजूद थी बगराम में, ये पता चल रहा है। ये हम कह रहे हैं, ये बात तालिबान को तो मालूम होनी चाहिए कि भाई बगराम में इंडिया मौजूद था, आपका दुश्मन है, ये बात हमें साबित करनी है तालिबान के की नज़र में। जी, तालिबान को हो सकता है पता हो, लोकल सर्किट में ये होगा, ये हो नहीं सकता कि इंडियन वहाँ मौजूद हो और तालिबान को दूसरे वाले तालिबान ने तो फिर इनको इंडियन को तो नहीं मारा ना। फिर देखिए, बगराम एयरपोर्ट में वो घुस भी तो नहीं पाए ना। हाँ, ये बात भी है अभी तक। अच्छा, तो अब ये है कि अब वो कहते हैं, पेंटागन ये कहता है कि साहब हम अपनी मुख्तसर तादाद अभी भी रखेंगे। और जब उससे जो बाइडन से पूछा गया, एक साफी ने 3 सवाल किए कि साहब आप जो है वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं, उसने कहा जी अच्छी अच्छी बातें करो, मुझे अपने अपना जो है छुट्टी के दिन अच्छे गुजारने दो, और जो है हम जो है ये काम जो है खुद अफगानियों का है कि वो अपने अपना अपने मुल्क का निज़ाम खुद संभालें। अब देखिए क्या अजीब किस अजीब तरीके से गुफ्तगू वो कर रहा है, और वो जो ये कहा जा रहा है कि जो बाइडन जैसा आदमी, जो कि एक नरम खू आदमी है, वो भड़क उठा, ये फरमाइए। देखिए, एम्बैरेसमेंट तो अमेरिका को है, 20 साल और $3 trillion से ज़्यादा खर्च करके एक छोटे से डिसऑर्गेनाइज ग्रुप के सामने वो कुछ नहीं कर सके। 20 साल की उनकी मेहनत और उनकी इज्जत ज़ाया हो रही है। बल्कि अभी एक नई किताब आई है, मेरे ख्याल में अगली दफ़ा हमें उस पर बात करना चाहिए, सुपर पावर सुसाइड, और उसका टाइटल है विल अमेरिका सर्वाइव टिल 2025। तो अब दुनिया में अमेरिका एक मजाक बन रहा है, और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो बाइडन साहब ऐसे ही जवाब देंगे। बाइडन इज अ वेरी लॉजिकल पर्सन, ये उन्होंने परेशान होकर इस तरह का जवाब दिया होगा। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका में ये ख्याल था कि उनकी सुपरमेसी को चैलेंज हो गया है, रूस की तरफ से, चीन की तरफ से, वो ये समझ रहे थे कि आइंदा चलकर तो उनका ये ख्याल था कि 2030 में तो मुकम्मल चैलेंज हो जाएगा, लेकिन वो चैलेंज तो पहले ही हो गया, 2020 में 19 में शुरू हो गया। तो अब वो उस पर उन्होंने फिर एक फार्मूला बनाया था 2010 में, लेकिन उसको जो उन्होंने निकाला था और जिस पर हमने प्रोग्राम किया, ये कहा कि अमेरिका का ये ख्याल है कि उनकी जो बालादस्ती को, जो उनकी प्राइमेसी है दुनिया पर, जो उनका जो यूनिपोलर वर्ल्ड जो बनी थी उसको चैलेंज हो गया, तो उसको बरकरार बहाल करने के लिए वो दुनिया में एक जंग करना चाहते हैं, और उसके लिए 4 स्टेप उन्होंने मुतय्यन किए थे। और वो पहला ये था कि बरतानिया
जो है वो यूरोपीय यूनियन से निकले ताकि यूरोपीय यूनियन खुद एक सुपर पावर ना बन जाए। दूसरा स्टेप ये होगा कि वो मास माइग्रेशन होगी तमाम यानी यूरोपीय ममालिक और अमेरिका और कनाडा से, और तीसरा ये होगा कि पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन होगी, सुपर इन्फ्लेशन होगी जो कि कसादबारी से कहते हैं, वो होगी, और इसके बाद में आखिर में जंग होगी। तो ये तीनों फेज, पहला फेज़ तो मुकम्मल हो गया, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल गया, और दूसरे जो तीन स्टेप हैं वो एक साथ पैरेलल चल रहे हैं और पांच जगह फ्लैश पॉइंट जंग के। जी मेरे साहब, इस पे लेंगे तबसरा हसन हबीब साहब का, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ले लेंगे। हसन हबीब हमारे साथ रहेगा लेकिन मुझे ब्रेक लेना है अभी। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, आपका सवाल। हसन हबीब साहब, आप फरमाइए। जो मैंने सवाल किया था, जी बल्कि बयानिया दिया था, वो उस पर आप तबसरा फरमाइए। देखिए, ये जो आपकी थियोरी है, अगर आपने ये प्रोग्राम इनकी किताबों 7 साल पहले किया था तो आपकी तारीफ ही की जा सकती है और कुछ नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत सारे लोग जो हैं अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो जैसे कि हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अ मेजर वॉर। अब वो वर्ल्ड वॉर होगी या कोई मेजर रीजनल वॉर होगी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे अमेरिका ने इंडिया को इन्वॉल्व किया है क्वाड्स में, इंडिया का अपना बायोलेटरल जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना से वो हीटअप हो रहा है। इतने ख़राब मौसम जो आ रहा है उसके बावजूद इंडिया ने 50,000 फौजी चीनी बॉर्डर पर और भेजे हैं, और साउथ चाइना सी की तरफ मुसलसल प्रेशर बढ़ रहा है। तो लगता ये है कि अगर फुल स्केल वॉर नहीं हुई यूक्रेन को ना भूले, यूक्रेन भी आसान काम नहीं है। यूक्रेन और हर चीज देखे ना, वो पूरा रीजन हॉट हो गया है। अब अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान से फोकस हीट का शिफ्ट कर गया है इंडिया और उससे आगे चला गया है, और साउथ चाइना सी में भी फिलीपींस भी बातें कर रहा है, वो भी हथियार जमा कर रहा है, इंडोनेशिया लग रहा है। तो ये लगता है ऐसा है। ऑस्ट्रेलिया जिसका किसी भी पॉलिटिकल वाकये में दिलचस्पी नहीं सिवाय इसके कि वो अमेरिका के हलीफ हैं, बरतानिया की तरह से वो भी हर उस झगड़े में शरीक हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मर्जी है। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल डेवलप कर रही है। जो चाइनीज की ताकत है उसको अभी तक शायद अमेरिका रीड नहीं कर पाया। जिन लोगों को चीन के बारे में पता है वो ये कहते हैं कि जंग की सूरत में चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई एक बात ये तो माननी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी वाइज चाइना बहुत आगे बढ़ गया, जिसका इतराफ़ ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल होता है कि इन्होंने एक रेड लाइन मुकर्रर कर रखी है कि अगर आप 50 इयर्स का कोई भी मुल्क जो है, अगर 50 इयर्स उनसे आगे 50 इयर्स इनका तय है कि हम 50 इयर्स दुनिया से आगे रहेंगे, और 50 इयर्स से अगर एक साल भी कम हो गया तो फिर ये दुहाई बचाने शुरू कर देते हैं कि एक मुल्क हमसे आगे निकल रहा है तो 49 हो जाए तो वो दुहाई बजाने लगता है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि टेक्नोलॉजिकल वाइज जो है वो चाइना आगे बढ़ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं जी। नहीं, बढ़ चुका है। अगर आप गौर से देखें तो 5G टेक्नोलॉजी में वो यूरोप से और अमेरिका से बहुत आगे है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेडिकल की बहुत सारी ब्रांचें हैं, साइंस। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, इस पर एक प्रोग्राम भी करेंगे कि जो है ब्रेन प्रोजेक्ट है जिस पर के अमेरिका ने इस पर 2011 में काम शुरू किया था, और इसने चाइना ने इस पर 2013 में काम शुरू किया था, उसने $6 बिलियन इस पर ब्रेन इनिशिएटिव या ब्रेन प्रोजेक्ट का नाम दिए। लेकिन अगर से हम ये बात अभी खुफिया रखना चाहते थे कि क्योंकि ये हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है, तो वो फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों इस पर काम कर रहे हैं। सेटेलाइट के मामले में भी अगर आप देखें, जो सेटेलाइट पर अमेरिका ने जो चाइना ने जो ब्रिज बनाया है वो सारा का सारा एक किस्म का कंट्रोल कर लिया है स्पेस पर। जो भी जहाज जो भी स्पेस का क्राफ्ट गुजरेगा वो चाइना के ब्रिज से होकर गुजरेगा। जी जी, देखिए चाइना ने अपने सेटेलाइट लॉन्च किए हैं GPS वाले, और इस तरह उनका एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो हमारे जो भी मिसाइल गाइडेड सिस्टम्स होने थे, जो एयरक्राफ्ट या सी के गाइडेंस थी, वो सारी GPS से थी जो अमेरिका के कब्जे में था, और किसी वक्त भी अमेरिका हमारा कनेक्शन ऑफ कर देता।
चाइना ने इससे बचने के लिए अपना एक सैटेलाइट सिस्टम डाला, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जब वो शुरू किया था उस वक्त उसमें 13 सैटेलाइट था और उसकी एक्यूरेसी जीपीएस से ज्यादा थी। नहीं, वो क्वांटम तो किया, उसने क्वांटम सैटेलाइट लाइव किया है जो कि इस पर साइबर अटैक नहीं हो सकता। जी जी, तो वो ये जो पायतू था उससे शुरू करके अब वो बहुत आगे चलेंगे। पायतू 2010 का प्रोजेक्ट था जो लॉन्च हो चुका था, और उसके बाद अब जो है तो ये जो स्पेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज में, एजुकेशन में चाइना इतनी स्पीड से आगे जा रहा है कि अमेरिका को और यूरोप को उससे थ्रेट हो गई है। अच्छा जी, एक और बात करनी है कि मकबूजा कश्मीर भारत की जिंदगी जारी है जी। आज भी जो है 5 कश्मीरी को शहीद कर दिया है पुलवामा में, तो आल भी बरादरी खामोश है क्योंकि उनका अलाई है, बस जो चाहे करे। देखिए, जो कश्मीर में हो रहा है उसमें तो हम बहुत दफा, आपको भी याद होगा, बात करते रहे, उसमें मोदी ने आने के बाद से अपना बिल्कुल क्लियर नैरेटिव रखा, और जब उन्होंने पिछले साल एक्शन लिया तो हम कोई ज्यादा रिस्पांस गेन नहीं कर सके, हमें दुनिया से कोई वो नहीं मिला, और हमारा अपना नैरेटिव इतना वीक था कि हम उस पर कुछ बोल ही नहीं सके। अब जो उन्होंने उसको इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ जाने लगे हैं कश्मीर में, तो इट इज गिविंग मोर कॉन्फिडेंस टू बीजेपी कि भाई पाकिस्तान कंफ्यूज है और दुनिया उनका साथ नहीं दे रही। एक अभी कहीं यूएन की खबर आई है कि जी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसी में यूएन वाले आपके बारे में भी तकरीर करेंगे कि आप क्रिश्चियंस को तंग कर रहे हैं, आप माइनॉरिटीज को तंग कर रहे हैं, और आप पता नहीं संजीदगी से बैठ के कश्मीर पे एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड टाइप की और बहुत फोकस्ड किस्म की एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर हों और गवर्नमेंट, और वो बिल्कुल बाकी चीजों से हटके जो पुरानी कहानी थी उससे हमें निकलना चाहिए। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे इदारे जो है जो लोकल मामलात में ज्यादा मुलव्वस हैं और कश्मीर के और बाहर इंडिया के मामलात को नहीं देख रहे हैं? हाँ, नहीं देखिए, हमारी लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के चक्कर में लगी हुई है। इतनी अनस्टेबिलिटी है मुल्क में इस वक्त कि हम लोग कश्मीर के बारे में मेरे ख्याल में सोच भी नहीं रहे ठीक से, हम रूटीन में लगे हुए हैं। बताया जैसा लगता है कि हम सोच नहीं रहे, मुमकिन है सोच रहे हो। नहीं, लग नहीं रहा, इसलिए कि कोई एक्शन नहीं आ रहा नया अभी तक। आप देखिए वही पुरानी इनिशिएटिव नहीं आ रहा, वो नैरेटिव जब आएगा मिर्जा साहब, जब आप कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कोई नए लोग लाएंगे उसके बीच में, कोई एक्टिव किस्म के वो लाएंगे, एनवॉयज लाएं जो दौड़े भागे दुनिया में, शोर करें, लॉबिंग करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद हसन हबीब साहब, हमने बहुत तफसील से गुफ्तगू की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस पर एक सेमिनार हो, एक बड़ा फुल डे का, और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मेरे साहब, अगले मौजू पे चलें, पहले कनाडा में जो अफसोसनाक वाकया हुआ है उस पर बात कर लें। जी जैन साहब, ये अफसोस की बात है, ये उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। कनाडा जैसा मुल्क जिसको हम एक बहुत मुनज्जम नहीं आइडियल के तौर पर पेश करते थे, एक मलेशिया को और एक कनाडा को, उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज़ को और अपने जो अख्तलाफात थे, कंट्रडिक्शंस को, उन्होंने बड़ा बेहतरीन मैनेज किया है। जी, मैंने दो तकरीर किए हैं, यानी इदारों के अफसरान के सामने, एक हैदराबाद में की है, एक यहाँ की है, हैदराबाद में तो आप भी मौजूद थे। तो उसमें हमने कोट किया था कि जो कनाडा का मॉडल है और जो रशिया का मॉडल है, उन्होंने अपने जो कंट्रडिक्शन थे जो उनको बड़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। लेकिन अब जो कनाडा में तो जो बहुत खौफनाक खबरें जो आई हैं, एक तो ये है कि हज़ारों बच्चों का जो चर्च ने कत्लेआम किया है, वो उनकी लाशें निकल रही हैं, और अब क्या हुआ है कि मालूम नहीं है, उससे बहुत सारी बातें आ रही हैं। वो कहा जा रहा है कि ये काफ़ी पहले जो मज़हब की तब्दीली का भी जो मामला, जो भी था, वो मसला हो, बहस नहीं है, लेकिन वाकया तो वो लाशें दफन थी और किसी को पता नहीं था। जी, इतना बड़ा कनाडा है और उसके अंदर इतनी लाशें कि आपके हज़ारों लाशें बच्चों की आपको मिल रही हैं चर्च के नीचे पास जो है। जी, तो ये क्या है, 3 चर्च जला भी दी गए। अच्छा, और ये वाला जो साना, और ये साना जो है, पहले इससे पहले एक खानदान को जला, नहीं वो गाड़ी चढ़ा, गाड़ी चढ़ा दी थी उनके ऊपर बेचारे, वो भी फुटपाथ पे जा रहे थे, उनको फिर चढ़ा दी। अच्छा, ये हादसा भी हो सकता है, लेकिन हादसा नहीं है, कनाडा जैसे मुल्क में नहीं, ये हादसा बिल्कुल नहीं है, ये इन्होंने किसी ने कार्रवाई की है, इसको हम हादसा नहीं मान सकते। हमारे 7 पाकिस्तानी शहीद हुए और उस पर अफसोस का इजहार करते हैं, सारा पाकिस्तानी जो है, सारा जो जोर पाकिस्तान पे क्यों है भाई, ये भी एक खास बात है।
क्योंकि ये एंगल तो फिर इंडिया का नज़र आ रहा है ना जी, इंडिया का, इसराइल का, अमेरिका का, तीनों मुल्क हैं इसमें शामिल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पे क्यों इतना, हर बात पे पाकिस्तानी क्यों मार रहे हैं जी। मेरे साहब फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची के मसाइल पर थोड़ी बात करनी है और MQM की रैली का भी थोड़ा जिक्र होगा। नाज़रीन मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब कराची के कौन कौन से मसाइल पे बात करें, पानी यहाँ ना नहीं है, पानी का मसला ये है कि सफाई का मसला अलग है जो है बहुत मुतासिब है जी, और हद तो ये है कि हर जगह से जहाँ पर पंजाबी, पठान और उर्दू स्पीकिंग थे कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, वहाँ सारे अफसरान को हटा दिया गया और वहाँ पर जो है जो एक जबान बोलने वाले हैं अंदरूनी सिंध से लड़काना से ला कर यहाँ पर छोटे छोटे उहदों पर लगा दिया गया। ये एक इतनी बड़ी बात है और फिर इसके अलावा तमाम पुलिस इनकी है, तमाम मैंने एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, कानून इनके पास है, मैंने असम्बली में इनके पास अक्सरियत है और जो हमारी नुमाइंदगी थी जो MQM की शक्ल में वो बिल्कुल तबाह हाल है, उनके पास सोच तक नहीं है और जो तबाह बर्बाद करके गया है जो इनका जिनका सरबरा अल्ताफ़ हुसैन, इसके बाद में अब ये एक रैली निकाल रहे हैं, या रैला निकाल रहे हैं, आप मालूम नहीं क्या मसला है, तो इस पर बात कर लेते हैं। जी जी उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो तासुब है ना उसकी सज़ा तो आवाम भुगत रहे हैं भाई। मैं पानी नहीं है, आप सफाई नहीं है, जब आप हार जाते हैं जैन साहब तो कुछ भी हो सकता है जी। आपने तो इतना बड़ा जुल्म किया है उर्दू स्पीकिंग ने अपने साथ में खुद भी, कि एक ऐसे आदमी के साथ में जो गद्दार वतन था उसको आपने अपना लीडर माना और इसके बाद में उन्होंने प्ले अप किया जो कि पीपल पार्टी की लीडरशिप थी और ये कहा कि मैंने सन ऑफ द सॉइल को यहाँ मौका मिलना चाहिए और बाकी इनको नहीं मिलना चाहिए। अब आप तो ये हो गया है कि आप तो आइसोलेट हो गए हैं और आप आपका विदाउट लैंड। अब इसमें एक थ्योरी ये चली है कि साहब वो ये कहते हैं कि साहब जो हमारे पास लैंड वो है जो कि मथुरू का लैंड है वो हमारी लैंड है, तो अगर मथुरू का हमारी लैंड है तो फिर वो तो फैली हुई लैंड है ना, वो तो वो कंसंट्रेशन कहाँ है जी। अब वो कराची में जो आप अलहदगी की बातें करते थे छुट भैयों की तरह से, आप बच्चों की तरह से बातें करते थे, हम आपसे पहले भी कहते आए थे कि कराची अलहदा नहीं हो सकता है इस लिहाज से कि आपकी तादाद जो है वो पहले तो 62% थी, अब घट के जो है आपके पास 50% रह गई है उर्दू स्पीकिंग की, तो कराची अलग से सूबा कैसे बन सकता है। तो दूसरी बात यह कि फिर आपको पे ये सलाहियत भी नहीं है कि आप अफगानों को पंजाबियों को अपने साथ मिला लें, लेकिन पीपल पार्टी अपने साथ मिला रही है, तो आप मतलब ये कि आपके पास तो थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है। छोटे 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 भैया जो लोग हैं जिनका जहन नहीं है वो जो एक छोटे से कमांडर के लिए एक कर्नल लेवल का कमांडर होता है वो आप लीडर बनना चाहते हैं, वो आप मसला ये है कि आप जब ये जहनी हालत का आलम की आपकी जहनी खाली दिमागी का ये आलम हो और जहनी आपका जो बिल्कुल काम ही ना कर रहा हो इस तरह की आपका जहन हो के सिवाय आप समझते हैं कि चार आदमी आपके पास असला मर्दार हैं तो आप लीडर बन जाएंगे, भाई खुदा का खौफ करो, ये काम जो होते हैं एक फ़िलासफ़ी पर चलते हैं, ये फ़लसफ़ा हमने दिया उसको हायर किया, उसको हाईजैक कर लिया रॉ ने, क्या करें फिर इस बात इसका इलाज, तो आप दूसरा फ़लसफ़ा हम देते हैं उसको नहीं मानते, कहते साहब हम हाजिरी रहेंगे, भाई हाजिर रहने से आपका यानी हर दफ़ा एक नई पॉलिसी बनती है, ये आपकी पॉलिसी फेल हो गई है, महाजिर जो इज़म की जो पॉलिसी थी वो फेल हो गई है, इसलिए फेल हो गई है कि आपने इसको गलत इस्तेमाल किया, गलत आदमी के पास लीडरशिप रही है तो हर आदमी निक्कू हो गया उर्दू स्पीकिंग जितना भी था, तो अब ठीक है आप इसमें कोई इनकार नहीं है कि महाजिर आप हैं, ये इनसे इनकार नहीं कि उर्दू स्पीकिंग आप हैं, लेकिन आपको इस पर एक पॉलिसी दूसरी वजह करनी पड़ेगी, जो कि ऐसे भी तो लोग थे ना कि एक अकेला आदमी था उस इन पर हुक्मरानी कर गया, तो आपके पास दिमाग होगा तो करेंगे ना मेरे साहब, दिमाग तो खाली आप। अगर MQM की रैली से कराची का पानी, सेहत, ट्रांसपोर्ट, बिजली सब ठीक हो जाए तो ठीक है। सार नहीं है उनको, मालूम है कि कितने कमजोर लोग बैठे हैं। अब बताइए आप, अगर जिसका लीडर हमारा भाई हमारा भांजा ये है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो क्या करेगा, लीडर है वो, कोई सलाहियत उसमें नहीं है, किसी के पास सलाहियत नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। एक और वो अंडर समझते नहीं है कि हमारे पास सलाहियत नहीं है जी, फिर अच्छा। कहते हैं कि हम भी करेंगे,
अब भाई आप वजारत लेके बैठे हो, वजारत के लोग जो हैं वो लीडर नहीं हो सकते। जब मैंने वजारत ले ली थी तो मुझे सबसे पहले बुलाकर सिंध की चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि तुमने वजारत क्यों कबूल की। मैंने कहा भाई बात क्या करूँ, अब मैं ये तो नहीं कर सकता था कि भाई आपके अपने इदारों से ही लड़ूँ। उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप शरीफ आदमी हैं, आप जो है आपको हम लीडर नहीं बनने देंगे अल्ताफ की जगह पर, इसलिए कि भत्ता नहीं ले सकते। नहीं, भत्ता नहीं ले सकते आप शरीफ आदमी, किसी को मार नहीं सकते, तो आप हाँ मार नहीं सकते, ये जुमले कहा आराम से, ये सब मसला है। तो हमने कहा भाई हमारा काम ये नहीं है, हम एक अच्छी सियासत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आप गवर्नर को बना देते हैं आपको। तो हमने कहा भाई गवर्नर की हमारी उम्र नहीं है, हम फिर उसके बाद तो सियासत ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये इनकी जो रैली है एमकेएम पाकिस्तान की, अब्दुल कदीर राणा साहब टेलीफोन लाइन। अब्दुल कदीर राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाएं कि ये जो एमकेएम की आज रैली निकालने का फैसला किया उन्होंने, यानी बड़ी देर के बाद, बड़ी देर की मेहमान आते आते, तो बताइए क्या क्या सूरत हाल है एमकेएम की रैली की? रैली की देखो यहाँ से निकाली गई थी गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर से, वो जो प्रेस क्लब अब जो है वो पहुँच गई है, और वहाँ पर जो उसके लीडर ने उनका खिताब है प्रेस क्लब की, और रैली निकालने का मकसद भी था एमकेएम का सिंध हुकूमत के खिलाफ बेसिकली ये रैली की। एमकेएम की जो क़यादत है उसका ये कहना है कि जो सिंध हुकूमत है वो न तो खुद काम करती है कराची में, हैदराबाद में और दीगर शहरी इलाके हैं सिंध के, और इसीलिए कराची जो है उसमें लोग जो है जो पानी बुनियादी चीज उसके लिए। देखो आप अब्दुल कदीर राणा साहब, जो प्रेस क्लब में कितनी जगह होगी, कितने बड़े आदमी जमा हो सकते हैं वहाँ प्रेस क्लब में, बताइए आप, एक छोटी सी जगह है। अब पहले एमकेएम जो जलसे करती थी वो जहाँ भी जलसे करती थी लाखों लोग, सारी दुनिया उसको देखती थी। अब ये प्रेस क्लब जाकर एक छोटी छोटी जमातें जो हैं प्रेस क्लब जाती हैं। अब ये बात अपने आप को खुद कह रहे हैं कि हम छोटी जमात हैं एमकेएम प्रेस क्लब जाकर, बताइए ये हालत है इनकी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, पहले एमकेएम की बड़ी बड़ी रैलियाँ होती थी, उनके मुकाबले में बहुत छोटी है, लेकिन आजकल जो बेसिकली इनका मकसद था रैली निकालने का वो सिंध हुकूमत को तनकीद करना था कि सिंध हुकूमत न तो जो बल्दियाती इदारे हैं उनको इस्तेमाल देती है जिस तरह से पहले मिलते थे उनको अलग से, और इसी वजह से कराची के जो मसाइल हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, कोई काम नहीं हो रहा ढंग से कराची के अंदर। तो भाई वो तो इस वक्त कर रहे हैं जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, हर जगह पर अपने आदमी लगा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब रैली लगाने से ये तो इससे भी बड़ा काम इस वक्त करना पड़ेगा आपको, कोई बहुत बड़े मुजाहरे करने पड़ेंगे और सबको मिलाना पड़ेगा। आपके दिमाग के अंदर जो आपका डायरेक्टर जो आपको हिदायत दे रहा है कि तीन ग्रुप आपके बना दिए हैं और तीनों को अलग अलग रखे हुए हैं ताकि आपके इत्तेहाद ना बन पाए, तो इसको तोड़ो। मैं ये कहता हूँ उनसे, एमकेएम को, अब दूसरे लोगों को कह दें इसको, इस सिस्टम को तोड़ दो। आप जो आपका डायरेक्टर आपको हिदायत दे रहा है उसको नहीं मानो और आप सब आपस में मिलकर काम करो, ये ठीक बात नहीं है। जी बिल्कुल, जो मसले मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए इत्तेफाक इंतहाई ज़रूरी है एमकेएम के तमाम धड़ों का, और जब ये इत्तेहाद होगा उसी वक्त जो है बेहतर तरीके से देखिए, जो आपका जो वहाँ पर बल्दिया का इंतखाब हुआ है उसमें पीएसपी और एमकेएम के वोट अगर बढ़ाते तो दोनों मिलकर लड़ते तो वो जीत जाते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा ये। अच्छा, इसमें जो है आज एमकेएम का ये दावा है, आज की जो रैली है ये इसमें शहरियों को मधु नहीं किया गया है, एमकेएम के जो कारकुनान हैं सिर्फ उनको जो है मधु किया गया है इस रैली के अंदर, सिर्फ कारकुनान शरीक हैं, हजारों की तादाद में जो है लोग गिन सकते हैं यार, वो तो अब जिन जगह जा रहे हैं वो छोटी सी गली है, वहाँ पर कितने आदमी जमा हो जाएंगे, 5,000 बस, 5,000 होगा तो इतना लगेगा मजमा जैसे कि पूरा शहर उमड़ आया हो। प्रेस क्लब के सामने अगर करने का मामला ये है कि छोटी जमातें वहाँ करती हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, बता दे खुद स्ट्रेटजी का फैसला गलत है इनका। हाँ, बस ये रैली के हवाले से ये था कि आज इन्होंने दावा ये किया था, आज की जो टोकन ये रैली होगी और इसमें सिर्फ कारकुनान शरीक होंगे, और उसके बाद अगर उसके बाद भी ये मसले हल नहीं हुए कराची के और जो अर्बन एरियाज हैं सिंध के जिनको पीपल्स पार्टी जो है वो नज़रअंदाज कर रही है, तो उसके बाद फिर जो है ये जो प्रोटेस्ट है इसको इसमें जो है इजाफा किया जाएगा, इसको इसमें शहरी भी शरीक होंगे,
और बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। नहीं साहब, बहुत चले प्रोटेस्ट करें, जो कुछ भी करें, काम ही नहीं किया। हम तो हमारे तुम तो साफिल हो गए हैं, हमारे तो सिर्फ आपकी राय देने का काम है। जी जी जी, बात यही है कि सिंध हुकूमत कोई दबाव में नहीं आने वाली है। नहीं, इनके दबाव में नहीं, उनको पता है कि लेकिन भाई इनको पता है कि ये कच्चे लोग हैं, इनके हर एक आदमी दागी है, तो ये क्या करेंगे। हाँ, अच्छा, वो भी चाहेंगे यही कि यही रहे इनकी कायदे, यही रहे, वो उनका, क्योंकि इनको डील करना आसान है, इनको डील करना आसान है, और ये क्योंकि ये और इनके पास जहन खाली है। जी, इनके पास कोई भी आदमी इतना बड़ा सियासतदान नहीं है जो जिम्मेदारी को मुंह दे सके। बस ये अलमिया है, क्या ये हाल है पढ़ी लिखी कौम का। ये अगर ये बात हो जाएगी कि ये अपने आप को अपने तहीं पर ये अपने आप को लीडर समझने लगेंगे, खालिद मकबूल हो गया ये को, तो कैसे होगा ये। अल्लाह ही रहम करे इस लोगों पर यार। बस ठीक है, और सही बात है, अल्लाह से ही रहम की उम्मीद है, बाकी ये सिंध गवर्नमेंट तो कोई रहम नहीं करने जाने इनका काम जाने, क्योंकि जिन लोगों ने ये काम किया था, एमकेयू को वोट दिए थे, वो जाने ये जाने, हमारा तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं। हमें तो लेकिन कौम की हमें तो रद्द किया था, हम तो रद्द किए हुए लोग हैं, जो बड़े 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 खुश होते थे, कहते साहब आप रद्द किए लोग हैं। जी, हम रद्द किए हुए लोग हैं, हम तो रद्द, हमें तो कबूल है, आपका रद्द करना कबूल है। जिनको दिया गया उनका नतीजा 30 साल बाद देख लें आप। अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ कि कौम का मुस्तकबिल जो है फूड पांडा है। चले, अब वक्त खत्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।